सब लोग अति प्रसन्न है। महाराज महाराज दशरथ के घर में लाला ने जन्म लिया। क्यों? सारा अवध आनंद क्यों मना रहा है? क्योंकि महाराज दशरथ सारे अवध का ध्यान रखते हैं। वो आजकल के राजा नहीं थे, जिनको प्रजा से मोहब्बत नहीं थी। वो राजा थे प्यारे, जो केवल और केवल प्रजा के लिए ही जीते। श्री राम जय राम। जय जय राम। एक चीज और बता दूं, महाराज भगवान प्रभु श्री राम के समय अवध में कभी भी किसी को कोई भी चिंता नहीं होती थी। दो नगरियां दो पुरियां ऐसी थी प्यारे, पहली पुरी अवधपुरी, दूसरी पुरी द्वारिकापुरी। इन दोनों के राजा अद्भुत हुए, एक और राम हुए, दूसरी और भगवान श्री श्याम हुए। और प्यारे जब जब इस धरती ने ऐसे राजाओं को पाया है, तब तब इस धरती से चिंता अपने आप उड़ जाती है, क्लेश अपने आप चले जाते हैं। अवध नगरी सारी की सारी नगरी जो है, महाराज दशरथ को प्रेम करती थी। अब मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को, किसी को पता ही नहीं चला कि दिन रात कैसे निकले। महाराज अंधेरा तो हुआ ही नहीं। भगवान नारायण ने सूर्य देव से कहा, कहा सूर्य नारायण क्या कर रहे हो, सारी मर्यादाएं उल्टी हो जाएंगी। महाराज यही रुके हुए, थोड़ा आगे बढ़ो। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, महाराज पहली बार सतयुग के बाद त्रेता युग में आज पहली बार आपके बाल रूप के दर्शन हो रहे, महाराज करने दो। भगवान प्रभु श्री हरि ने कहा, देखो तुम्हें दर्शन हो गए हैं, अब तुम आगे जाओ, और भी लीलाएं करनी है। और तुम रुके हुए हो, तुम्हें पता है कि रात्रि नहीं हो रही है। कहा महाराज मुझे क्या पता, यहाँ किसी को भी नहीं पता है रात्रि नहीं हो रही है, यहाँ सब आपके दीवाने हो रहे हैं। मैं तो आपसे कितनी दूर खड़ा हूँ आकाश में। महाराज इतने धरती के लोग हैं, सबकी दीवानगी का आलम क्या कहे महाराज। और प्यारे मैंने ना एक भजन लिखा था पंजाबी का है, गुरमुख प्यारियो आप सब जी नू बेनती है कि आप कृपा करके वाहगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।